अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। दोस्तों, आपका मेरे चैनल एंटीनेट फ्रॉग अदब में स्वागत है, खैर मकदम है, खुश आमदीद है। आज मैं आपके लिए मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी डिस्टेंस बोर्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम्स विद सॉल्यूशन लेकर हाजिर हुआ हूँ। गूगल फॉर्म असाइनमेंट, असाइनमेंट नंबर 1, सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस। तो आइए बिला ताखिर शुरुआत करते हैं। सेशन जुलाई 2022, बिला ताखिर शुरुआत करते हैं। लेट अस स्टार्ट नाउ। पहला सवाल आपके स्क्रीन, पॉलिटिकल साइंस, सभी सवाल के जवाब लाजमी हैं। हर सवाल के लिए 2 नंबर मुख्तस हैं। तो पहला सवाल है, किसने लफ्ज़ के लिए लफ्ज़ पॉलिटिक्स, पोलिटाइक का इस्तेमाल किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अरस्तू ने। क्वेश्चन नंबर 2 है, सियासत की इब्तिदा और इंतहा ममलिकत से होती है, ये किसका कॉल है? सियासत की इब्तिदा और इंतहा ममलिकत से होती है, किसका कॉल है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, गार्नर का कॉल है। क्वेश्चन नंबर 3 है, तरक्की पजीर इलाकों की सियासत किसकी किताब है? तो इसका राइट आंसर है ऑलमंड कोलिमन। क्वेश्चन नंबर 5 है, ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स का मुसन्निफ कौन है? ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स का मुसन्निफ कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, लास्ट की। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 है, मंजिल में कौन माहिर सियासत इल्म सियासत को साइंस मानता है? दर्जिल में से कौन इल्म सियासत को साइंस मानता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अरस्तु। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस यूनानी लफ्ज़ से पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल साइंस का इस्तेमाल आकाश किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, पॉलिस। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस माहिर सियासत के मुताबिक इल्म सियासत रियासत से शुरू होता है और रियासत पर ही ख़त्म होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, जे एच जेम्स। क्वेश्चन नंबर 9 है, समाज सोशल साइंस रिसर्च काउंसिल का तस्कील किस मुल्क में दी गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक मशहूर किताब पॉलिटिकल पॉलिटिक्स किसने लिखा है? एक मशहूर किताब पॉलिटिक्स किसने लिखा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अरस्तू ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 11 है, सियासी समाजियाना की इस्तेलाह किसने ईजाद की? सियासी समाजियाना की इस्तेलाह किसने ईजाद की? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ह्यूमन ने। क्वेश्चन नंबर 12 है, रिपब्लिक किसकी लिखी हुई किताब है? तो रिपब्लिक जो है ये अरस्तू की लिखी हुई किताब है। क्वेश्चन नंबर 13 है, अफलातून के मुताबिक एक रियासत की आबादी कितनी होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2, 5040। क्वेश्चन नंबर 14 है, इनमें से रियासत का जुज कौन नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, जबान नहीं है। इनमें से कौन मिसाली ममलिकत का नज़रिया पेश किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2, अरस्तू ने पेश किया था। उसके बाद है, सियासी मॉडर्नाइजेशन के एजेंट में क्या शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, ज़रात नहीं है, ज़रात नहीं है। और ये कहने के बाद आपको यहाँ पे सियासी मॉडर्नाइजेशन के एजेंट में क्या शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, ज़रात नहीं है। और ये करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। तो ये 15 सवाल थे, 15 सवाल को मैंने हल कर दिया, आप आसानी से लिख सकते हैं। तो आज के लिए, और एक बात बता दूँ कि मैं ऑनलाइन कोचिंग भी कराता हूँ। जो लोग भी ऑनलाइन कोचिंग के ख्वाहिशमंद हैं और मुझसे रब्ता करें, मैं गूगल मीट के ज़रिए ऑनलाइन कोचिंग कराता हूँ। जो लोग भी ख्वाहिशमंद है तो वो मुझसे रब्ता करें। मेरा नंबर है 7003875539 और एक नंबर है 8820992739। तो आज के लिए इजाज़त दीजिए अपने दोस्त तौफीक अंसारी को। अल्लाह हाफिज़।